कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर नागरिकता संशोधन एक्ट के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। राहुल ने पीएम मोदी के डिटेंशन सेंटर वाले बयान को लेकर वीडियो साझा करते हुए ट्विटर पर लिखा, आरएसएस का प्रधानमंत्री भारत माता से झूठ बोलता है। आपको बता दें कि 22 दिसंबर को पीएम मोदी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में कहा था कि कुछ डिटेंशन सेंटर्स के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है। पीएम ने कहा था कि देश भर में कहीं भी डिटेंशन सेंटर नहीं बनाए गए हैं, लेकिन देखिए आज एक तस्वीर को पोस्ट किया गया है और यहां नथिया 3 किलोमीटर दूर आरएसएस का प्रधानमंत्री भारत माता से झूठ बोलता है, यानी कि यहां पर एक डिटेंशन सेंटर उसकी ओर इशारा करते हुए राहुल गांधी, और कहा कि रामलीला मैदान से जिस तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि डिटेंशन सेंटर नहीं है और जो लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि अगर वो नागरिकता का प्रमाण नहीं देते हैं तो डिटेंशन सेंटर्स में उन्हें रखा जाएगा, प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है और ये तस्वीर के जरिए उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री साहब झूठ बोलते हैं। ये नातिया है 3 किलोमीटर आगे, लेकिन उन्हें यह भी बताना पड़ेगा दरअसल कि कांग्रेस के जमाने में भी डिटेंशन सेंटर बने। देखिए किस तरह के शब्दों का, किस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं राहुल गांधी, सारी मर्यादा तोड़ रहे हैं, डिटेंशन सेंटर के बारे में झूठ बोल रहे हैं। सवाल यह है कि जब कांग्रेस पार्टी एनपीआर लेकर आई थी तभी उसी डॉक्यूमेंट में उसने कहा था कि ये एनआरआईसी का के पहले का ये प्रक्रिया है। हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, हम लोगों ने पूरी तरह एनपीआर को अलग रखा है, इसका एनआरसी से कोई संबंध नहीं है, इसका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से कोई संबंध नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरे मुल्क में दुष्प्रचार कर रही है, दुष्प्रचार करके जिस तरह से देश का माहौल खराब करके और देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रही है, लोकसभा के चुनाव से पहले 100 से ज्यादा गालियां हमारे प्रधानमंत्री को दी, उसका जवाब देश की जनता ने लोकसभा के चुनाव में दिया। अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी फिर से मर्यादा तोड़ने पर आ गए हैं, गाली गलौज पे आ गए।